तो ये है नित्या। हेलो नित्या, हेलो बोलो सबको, गुड मॉर्निंग बोलो, जल्दी बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नित्या, हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, भाग के आओ भाग के आओ भाग के आओ भाग के आओ। तो कल जो था मैं अपनी दीदी के घर में रुका हुआ था, और यहाँ पे देखो नित्या जो है हमारे साथ खेल रही थी सुबह से। और सुबह से जो है नित्या ने काफ़ी मतलब हमारे साथ मजा किया, हमारे साथ खेला, है ना नित्या, खेला ना आपने मामा के साथ। देखो तो नित्या ना बार बार मेरे पास आ रही है, बोल रही है मुझे गोदी में रखो और खुश रहती है। तो अभी जो है आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं, और आज मुझे निकलना है भैया के घर में। तो नित्या आइए दोस्तों, देहरादून से एक बात करते हैं, देहरादून से एक नई मुलाकात करते हैं, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह के हो रहा है 10:17, यानी 10:15 हो रहा है। और अब जो टाइम हो चुका है वो हो चुका है भैया के रूम पे जाने का। तो ऐसा करते हैं, गोलू भैया भी तैयार हो चुका है और हम जो है तैयारी करते हैं जाने की। आ गया बैग, चलो लेट्स गो। अब क्या रह रखा, सजना है मुझे सजना सजनी के के लिए लिए। सजना तो समय हो चुका है नित्या से विदा लेने का, और नित्या को बहुत जल्दी मैं दोबारा मिलने आऊँगा, है ना नित्या, आपको मिलने आएंगे हम, आएंगे, बाय बाय करो, बाय 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 बाय। हाँ नित्या देव, नित्या बाय 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 करो, बाय बाय करो, बाय बाय। बाय 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 नित्या। तो यहाँ से निकलते हैं अब आगे के लिए, यानी भैया के रूम पे, और आपको बहुत जल्दी मिलते हैं। फाइनली अभी हम है कारगे चौक पे, और यहाँ पे जो है ट्रैफिक जो सिग्नल लाइट है ना वो रेड हो रखी है, यानी हमें कुछ देर रुकना पड़ेगा। तो ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ से भाई के रूम के लिए निकलते हैं। भाई कहाँ, किस और जाना है, आगे आगे सामने, तो हमें सामने जाना है। तो चलो शायद सिग्नल ग्रीन होने में टाइम है, जितना भी टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा यार, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और ट्रैफिक तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही लंबा ट्रैफिक लगा है। चलो भाई निकलते हैं अब यहाँ से भाई के रूम के लिए। इस
गाड़ी का ना एक ही मज़ा है, आप इस पर जो है ऑफ रोडिंग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये वाली गली है, साइड शॉर्टकट है ना। अच्छा, तो मैं ना अपने भाई के रूम पे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, इससे पहले मैं कभी आया नहीं हूँ। दूसरी जगह था पटेल नगर में था, तो वहाँ पर तो मैं आया था, लेकिन यहाँ पर नहीं आया हूँ, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। अरे वाह, शादी है भाई आज यहाँ यहीं पे। तो फाइनली हम पहुँच गए, आज यहाँ पे शादी है, आज का खाना यही होगा। अरे वाह, अरे ये रही अपनी धन्नो, अपनी धन्नो तो यहाँ पे खड़ी है, तो इसके लिए हम राइड लेने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं भाई के रूम पे। तो ना फर्स्ट टाइम भाई के इस वाले रूम पे आ रहा हूँ, पिछले वाले रूम पे तो आया था, लेकिन भाई तो बहुत ही ऊपर वाले फ्लोर पे है भाई, इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी क्या, देखते हैं क्या कर रहा है भाई। अरे वाह, यहाँ तो जिम का सेटअप भी लोग हंगे। वाह, यहाँ से अच्छी लोकेशन है, ठीक है, बढ़िया है। काफ़ी अरे वाह, एयरटेल है, D2H है, केले के पेड़ हैं। वाह, अच्छी जगह है। आज का खाना गोलू भाई कहाँ होगा, यहीं होगा, तुम लोग यहीं खाना, आज का खाना हो जाएगा सेट। पर मेन प्रॉब्लम ये है, उन्होंने टेंट लगा रखा ऊपर छत में, क्या हो तो नीचे भी तो लगा रखा टेंट, तो ऊपर ही छोड़ दिया। खाना नीचे होगा भाई, ये तो मालिक लोग बताएंगे, हम तो इसीलिए वो खाना ऊपर लगाएंगे भाई। शिव पारे पहुँचू भाई, तब चुप पारे आ जाओ, ब्लॉग में लगता कि बनता यार। आ जा अंकित, हमारा भाई हमने क्या सोचा था, देखो यही तो बात है, लौंडा वहाँ पहली पहुँचा हुआ। आ जा अंकित, मतलब नाम भी पता है अंकित है। तो ये है हमारे भाई का रूम, और यहाँ पे है हेलमेट, सबसे पहले लाइट का बटन ढूंढते। वाह, फर्स्ट टाइम में ही लाइट का बटन मिल चुका है। और यहाँ पे जो है हनुमान जी, जय हो बाबा जी की, बाबा जी को प्रणाम कर देते हैं, जय हो। और छोटा सा रूम है, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, उसके ऊपर पे हॉट पॉट है जिसमें रोटी रखने का है, और यहाँ पे कुछ टिफ़न पड़े हुए हैं, एक फ़ैन ये है, एक फ़ैन ऊपर है, और एक अलमारी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो यहाँ पे ना रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक हफ्ता यहाँ पे काटेंगे आराम से, और देहरादून को जो है विज़िट करेंगे। तो यहाँ से बाहर के नज़ारे और भी बढ़िया, वाह ठीक है, सही है, मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे ना अगर आपको बॉडी बनानी है, वाह डिस्टर्बेंस, एकदम से वीडियो का जो फ्रेम है वो चेंज हो गया है। ये फ्रेम है मेरे फ़ोन का, और इससे पहले वाला फ्रेम था GoPro का। तो फ्रेम जो है लगभग सेम है, वाइड एंगल है, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो थोड़ा गिर जाती है वाइड एंगल की कैमरे की। तो काफ़ी अच्छा व्यू है, ऐसा नहीं है कि बेकार व्यू है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने देहरादून जो है बहुत ही कम विज़िट किया है। तो अभी यह है कि हम थोड़ा देहरादून को विज़िट कर सकते हैं, यानी काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं देहरादून में। तो अभी मेरे पास कुछ टाइम है यहाँ पे विज़िट करने का, तो भैया देखते हैं कितनी देर में आता है, कितना टाइम लगाता है भैया वहाँ पे। अरे वाह,